एक बचपन की थोड़ी सी बात कर दूं। भोजन करत बुलावत राजा। राम जी छोटे से हैं, छोटे से बच्चों के साथ खेलने के लिए चले गए। कौशल्या ने कहा दशरथ जी से, अजी लल्ला को बुला के लाओ। दशरथ जी बाहर गए आंगन में। ए राम चलो चलो चलो, दही चावल रोटी सब कुछ तैयार है। दही और भात सब तैयार है। दही ओधन लपटा है। दशरथ जी का चलो चलो। भोजन करत बुलावत राजा, नहीं आवत तजी पाल समाजा। ए भैया बड़ी विचित्र बात है, राम जी को तो मर्यादा पुरुषोत्तम तो बताते हैं लोग, और आज राम जी मर्यादा का खुलेआम उल्लंघन कर रहे हैं। कहां तो नहीं बाप की आज्ञा छोटी सी और वनवास चले गए, और कहां आज बाप जो भोजन के लिए बुला रहा है। नहीं आवत तजी बाल समाजा, नहीं आवत। ए मैया तुम्हारा बालक जब तुम्हारी बात नहीं माने तो कितना बुरा लगता है, इतना बुरा लगता है बहुत। मौसी तो माता कहती है पकड़ में आएगा तो घर साथ जाके नार काट दूं, ऐसी गुस्सा आ रही है। कुछ माता तो ऐसी कहती है तो कहो तो ना सांप तो खा लेगा, किसी दिन तेरे को सांप तो खाएगा। पर कहां से कहती है पता है, यहां तो ऊपर ऊपर से कहती है, गर्दन से ऊपर ऊपर। दशरथ जी को थोड़ा ठीक सा नहीं लगा, पर राम आए क्यों नहीं, क्योंकि दशरथ बुलाने नहीं गए। भोजन करत बुलावत राजा, है ना। और भगवान कहते हैं कि हम तो राजाओं के राजा और महाराजाओं के महाराजा, हम पर आदेश, राजा के कहने से तो नहीं जाएंगे। हमारा कोई होता। तो फिर कैसे आते भगवान, भगवान कहते हैं मुझे कोई श्रद्धा से बुलावे, मुझे कोई प्यार से बुलावे, तो कोई मुझे हजारों हाथों वाला पकड़ ले बांध ले तो भी मुझ पर रुका नहीं जाता। प्रेम की डोरी मुंह पे तोरी न छोड़ी जाए। भोजन करत बुलावत राजा, नहीं आवत तजी बाल। बाल माने सरल, बाल कैसा होता है, बालक सरल, और सरल माने संत। हे पिताजी इन संतों को छोड़कर के न मुझे भोजन प्यारा लगता है, न मुझे भोग प्यारे हैं, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। मैं अपने बाल समाज को छोड़ करके कहीं भी जाना नहीं चाहता। नहीं आवत तजी बाल समाज। दशरथ जी मैं परेशान है कि लौट के चली आई। कौशल्या से बोले सुन हम तो परेशान हो गए, हमारे कहने से नहीं आता। कौशल्या चूल्हे से उठी, बोले अब थाली पर बैठो, मैं अभी जाती हूँ और अब भी लाती हूँ। बोले अम्मे तू अभी लाती है, हम तो परेशान हो गए कह कह के। कौशल्या ने कहा अब बुरा न माने तो एक बात कहूँ। बोले कहो। कौशल्या ने कहा आपका बुलाने का तरीका विचित्र था महाराज, अब बुरा न माने तो मैं ये कहना चाहूंगी कि आपका बुलाने का तरीका विचित्र था। हाँ ठीक है तू देख ले अपने तरीका जा। तो कौशल्या जाती है। कौशल्या जब बोलने जाई, कौशल्या जब बोलने जाई,
इशारा कर दिया, बाहें फैला दी अपनी, और जब कोई भक्त श्रद्धा से बाहों फैलाए, हृदय में तड़फन पैदा कर ले, तो परमात्मा कहता है फिर मुझे कोई माई कला रोक नहीं सकता, मुझे कोई बांध नहीं सकता, दुनिया की कितनी भी विघ्न बाधाएं आ जाए, फिर मेरे पास उसकी गोद में उसके हृदय में जाकर के ठहर के जाकर के आनंद लेने के सिवा और कुछ अच्छा नहीं लगता। कौसल्या जब बोलन जाई, कौसल्या जब बोलन जाई, ठुमक ठुमक प्रभु चलहि पराई, ठुमक ठुमक प्रभु चलहि पराई, भोजन कर बुलावत राजा हो। क्यों चले प्रभु? राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा। दशरथ काय से बुला रहे थे? अहम से। कौशल्या काय से बुला रही है? श्रद्धा से और प्रेम से। जाने ले को जानन हारा, ले को जानन हारा, भोजन करत बुलावत राजा। राम लखन भरत शत्रुघ्न थोड़े बड़े हुए हैं, गुरु जी के यहाँ गुरु विद्या पाने के लिए सब गए हैं। वशिष्ठ जी लेने के लिए आए थे उन्हें, दशरथ जी ने उनको समर्पित किया। एक 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 बड़ी विचित्र बात, वशिष्ठ जी ने पहले राम जी से पूछा, मैं तुम्हें विद्याएं देने के लिए ले जा रहा हूं, लेकिन तुम्हारे पिताजी ने तुमको सिखाया है? हाँ, क्या सिखाया? बोले थोड़ी सी धनुष विद्या सिखाई है। बोले तुम मुझे दिखाओगे? पहले मुझे दिखाओ सही, कितनी धनुष विद्या सीख ली तुमने? बोले कैसे दिखाएं? अरे बोले दो एक तरफ हो जाओ, दो एक तरफ हो जाओ, आप चार हो, चारों ने सीखी है, एक तरफ दो हो जाओ, दो एक तरफ हो जाओ, मुझे थोड़ा दिखाओ। राम जी ने चरणों में प्रणाम करके गुरु जी के कहा, गुरुदेव हम आपकी आज्ञा का उल्लंघन तो नहीं कर सकते, पर प्रार्थना करते हैं कि हम भैया भैया तो झूठ मूठ को भी कभी लड़ना नहीं जानते, हम भैया भैया आपस में तो कभी सपने में भी नहीं लड़े, और आप हमको जो है जागृत में और सचमुच के धरातल पर लड़ाना चाहते हो, क्षमा करना, ऐसी दृष्टता हमारे पिताजी ने हमें नहीं सिखाई। क्या बात कही साहब, ऐसी बात राम ने बचपन में कह दी। भैया भैया हम कभी सपने में भी लड़ना नहीं जानते, झूठ मूठ को भी हम लड़ाई का प्रदर्शन नहीं कर सकते, हमारे पिताजी ने आपस में लड़ना नहीं सिखाया, हमारे पिताजी ने तीन दुखियों की रक्षा के लिए हमें धनुष विद्या सिखाई है, आपकी आज्ञा हो तो हम उल्लंघन तो नहीं कर सकते, पर हमारा निवेदन है हमें भौतिक धरातल पर भाई भाई में लड़ने की बात भी करना हम पाप समझते हैं, कितना उज्जवल चरित्र है मेरे राम का। कुछ माँ बाप अपने बच्चों को बचपन में छोटे भाई से बड़े भाई को कुश्ती लड़ा देते हैं, बिल्कुल गलत है, भाई भाई को कभी कुश्ती भी नहीं लड़ानी चाहिए। क्यों? चाहे भले ही कुश्ती लड़ रहे हैं वे, लेकिन मन में ईर्ष्या का जन्म तो हो ही जाता है, मन में ईर्ष्या का जन्म हो जाता है, और वही ईर्ष्या पानी लग गया यदि समाज का, विरोधियों का, दुष्टों का, तो विस्तार रूप धारण कर लेती है। दुर्योधन में और भीम में क्या हुआ था? बचपन की कुश्ती में ईर्ष्या जन्म ले गई, शकुनी ने पानी दे दिया, दुर्योधन की ईर्ष्या का वृक्ष बन गया, और वही ईर्ष्या महाभारत का कारण बन गई। तभी तो जो है दुर्योधन कभी जहर देता है भीम को, है साढ़े षड्यंत्र रचता है। इसलिए कभी भी भैया भैया को आपस में झूठ मूठ को भी लड़ाना नहीं चाहिए,
छोटा भैया और बड़े भैया में भले ही एक साल का अंतर हो, माँ बाप का कर्तव्य है कि छोटे भैया के द्वारा बड़े भैया के पांव छुवाए जाए, जिससे उनमें मानसिक छोटा बड़ापन आ जाए। शारीरिक भले ही अंतर कम हो लेकिन मानसिक एक आदर की भावना बन जाए, और आदर की भावना जहां बन जाती है फिर वहां झगड़े की संभावना समाप्त हो जाती है। जहां आंखों में शर्म आ जाए, आदर की भावना आ जाए, तो झगड़े की संभावना समाप्त हो जाए। और जहां आदर समाप्त हुआ, जहां कायदा कानून समाप्त हुए, वहां पल पल पे झगड़ा, मिनट मिनट पे झगड़ा, हर क्षण झगड़ा होता है। इसलिए बचपन से ही छोटे भाई को बड़े भाई के चरणों में मस्तक झुकाने का प्रयास कराएं माँ बाप, यदि वो सुखी रहना चाहते हैं। नहीं तो इतना बुरा हाल होता है माँ बाप का कि भैया भैया आपस में लड़ते हैं और माँ बेचारी टुकुर टुकुर गैया की तरह रोती है छत पर से, क्योंकि ना तो छोटा मानता है और ना बड़ा मानता है। बाप बेचारा न तो छोटे को कुछ कह पाता है ना बड़े को। लेकिन निवेदन करूंगा, ये बीज किसने बोए, ये बीज किसने बोए, हमने ही बोए हैं ये बीज और हमको ही काटने पड़ेंगे। भगवान राम गुरुकुल में शिक्षा पाने के लिए जाते हैं। गुरु ग्रह पढ़ना गए रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई। क्यों भैया, थोड़े ही समय में इतनी विद्या कैसे पाली? आज तो आधा जीवन बीत जाता है, विद्या पाने में तो बहुत समय लगता है, थोड़े समय में क्यों? जिसकी मेधा प्रबल है, जिसकी धारणा शक्ति बहुत बलिष्ठ है, उसे विद्या पाने में देर नहीं लगती। मेरे देश के महान संत स्वामी श्री विवेकानंद जी ऐसा बताते हैं, पेज एक बार पलट दिया और उस पर एक निगाह मार ली, फिर जिंदगी में कभी भी पूछ लेना फलानी पुस्तक के फलाने पेज पर क्या लिखा था। ऐसा क्यों हो गया? प्रातः काल उठी के रघुना था, प्रातः काल उठी के रघुना था, माता पिता गुरु नाव माथा, माता पिता सिखाना चाहिए बच्चे को बचपन से ही कि वह अपने से बड़ों के पांव छुए। जब कोई व्यक्ति प्रणाम करता है तो उसके पापों की पोटली गिर पड़ती है और बड़ों का आशीर्वाद उसके रक्षा करता है दुर्गुणों से। भगवान राम के जीवन में बचपन से ये संस्कार थे, सुबह जग करके सबके एक तरफ से पांव छूते थे और सबका आशीर्वाद मिलता था। फ्री में, बिल्कुल फ्री। और आपको तो पता है जो हमारे भारत में कहावत है, जो काम दवा से नहीं होता वह काम दुआ से हो जाता है, आशीर्वाद से हो जाता है, और कुछ जाता भी नहीं है। इसलिए बचपन से ही जो ऊंचे उठना चाहते हैं वे माँ बाप के चरणों में, चाचा ताऊओं के चरणों में, अपने बड़े भाई के चरणों में माथा झुकाना सीख लें, निश्चित ही बुलंदियों पर पहुंच जाएंगे। चाहे वो सामाजिक ऊंचाई हो, चाहे वो बौद्धिक ऊंचाई हो, चाहे वो विद्या की ऊंचाई हो, चाहे वो चारित्रिक ऊंचाई हो, कोई भी ऊंचाई क्यों न हो, बहुत ऊंचाइयों पर पहुंच जाएंगे। क्यों? विद्या और विनय
दोनों जिसके जीवन में आ गई वो ऊंचा उठ जाता है। गुरु ग्रह पढ़ना कैर गुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई।